दोस्तों 1962 के दौरान इजरायली अमेरिका तक को भी नहीं बख्शे हैं। उस समय अमेरिका हमेशा इजिप्ट के पास मौजूद इंटरनेशनल वाटर में अपने रिसर्च वेसल को भेजता रहता था, जैसे आज चाइना अपने रिसर्च वेसल को भारत के तरफ भेजता रहता है। लेकिन उस दिन 8 जून 1967 को अमेरिका के साथ एक अनहोनी हो जाती है, जिसमें 34 की संख्या में अमेरिकी मारे जाते हैं और 170 घायल होते हैं, वो भी इजरायल के हाथों। दोस्तों यह रिसर्च वेसल थी यूएसएस लिबर्टी, जिसमें उस दिन लॉन्च के बाद पूरा का पूरा क्रू डेक पर रेस्ट कर रहा था। लेकिन अचानक से दो इजरायली मिराज अपने कैनन और रॉकेट से इस शिप पर हमला कर देते हैं और कुछ ही समय बाद इजरायल की तरफ से आए हुए मोटरबोट्स 5 की संख्या में टॉर्पीडो लॉन्च कर इस शिप को पूरी तरह से जला देते हैं। यहाँ तक कि यूएसएस लिबर्टी जब अपने छठे फ्लीट से कांटेक्ट करने का कोशिश करता है तो इसके सिग्नल को जामर के जरिए ब्लॉक कर दिया जाता है। और क्या इजरायल को पता नहीं था कि ये एक अमेरिकी शिप थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पता था, क्योंकि इस शिप में एक बड़ा अमेरिकी झंडा लगा हुआ था जिसे इजरायली देखे भी थे, जिसका सबूत उनके रेडियो से मिलता है। उसके बाद भी एक सॉरी से इस मामला को रफा दफा कर दिया गया।